उसका निसाब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब। अल्लाह के बंदों की और इबादुर्रहमान की बातें करना और उनका जिक्र तज़किरा करना, ये अल्लाह जल्ला शानहु की सुन्नत भी है और रब्बुल जलाल का अपने हबीब को हुक्म भी है कि आप मेरे बंदों का जिक्र करें। जहां रब्बुल जलाल ने वज़ुकुर फिल किताबे मूसा कहा है, वज़ुकुर फिल किताबे इदरीस कहा है, वज़ुकुर फिल किताबे इब्राहिम कहा है, वहां वज़ुकुर फिल किताबे मरियम भी कहा है। रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां अपने नबियों और रसूलों का जिक्र फरमाया है, वहां अपने बलियों का जिक्र भी फरमाया है। कभी उनकी सीरत को बयान किया, कभी उनके मर्तबे को बयान किया। जिन आयात की तिलावत की है रब्बुल जलाल ने, इसमें अपने बंदों की सीरत को बयान किया है और जहां उनके मर्तबे मकाम को बयान किया है। अगर वो इबादुर रहमान में से वली हो तो एक ही आयत काफी है, अला इन्ना अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये उनकी उखरवी अज़मत और शान को बयान किया गया है, बिशारत दुनियावी और बिशारत उखरवी को इस आयत में बयान किया गया है। कहीं उनकी करामात को बयान किया गया, कहीं असहाबे काफ का नाम लेकर, कहीं قال الذي عنده علم من الكتاب जिक्र फरमा कर, कहीं रब्बुल जलाल ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और उनके अहवाल को बयान फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं सूरह यासीन के अंदर दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलियाए ईसवी को बयान किया, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया को बयान किया, उनकी अजमत को बयान किया, उनकी दावत और फिर उनकी साबित कदमी और उनके सब्र और तहम्मुल को बयान किया और फिर तफासीर में इसी आयत के ज़ैल में उनकी करामात को बयान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबका उम्मतों के औलिया की अजमत को बयान किया, फिर अपनी उम्मत के औलिया की अजमत को बयान किया। इस पर दर्जनों अहादीस रसूल और साथ दर्जन से जायद आयात मौजूद है। बहरहाल कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इज्जत भी अल्लाह की तरफ से है, जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से है। इस दौर की एक अजीम शख्सियत और उसके अजीम होने पर सारे मुत्तफिक हैं, सुभान अल्लाह सारे मुत्तफिक और मिंबर और मेहराब से उठने वाली उनकी आवाजें गवाही दे रही हैं कि ये शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत, जिनको पहले समझ नहीं आई तो जनाजा और उसके बाद समझ आ गई। अमीर उल मुजाहिदीन और इमाम उल आशिकीन, और जो ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फनाइयत जिनको अता होती है, इस दौर के आला दर्जे के इश्क मुस्तफा में फना होने वाली शख्सियत, जो हाफिज भी थे, मुदर्रिस भी थे, वो मुअल्लिम भी थे, वो इमाम भी थे, वो खतीब भी थे और वो आला दर्जे के आशिक रसूल भी थे और आला दर्जे के मुहाफिज़े खत्म नबूवत भी थे। बेशक
आप रोजाना 10 से कम व बेश 15 पारे रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हाथ हल्का रखा है, इससे ज्यादा का सुनाए मैं दरमियान में आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो 10 पारे अगर कोई शख्स रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करे कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर वो 18 की बात नहीं की गई है, 15-18 पारे, चलो आप 10 से 15 ले, तो 2 दिन में कुरान का खत्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये ताल्लुक बिल कुरान कैसा है? अगर कुरान का मुताला इतना है तो फिर आप ये अंदाजा लगा लें कि बरकत कुरान की वजह से अहादीस रसूल का मुताला कितना होगा। और अहादीस रसूल का मुताला और उनका हिफ्ज देखें, ये जो आखिरी साल है ना ये उनकी जिंदगी का, इसके अंदर 2-2 सफों की हदीसें जुबानी मैंने अपने कानों से सुनी। सुभान अल्लाह, जुबानी। कुरान की आयात को याद करना आसान है, ये बच्चा भी याद कर लेता है, लेकिन अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी हम भी याद कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें भी शायद याद होगी, लेकिन मुकम्मल 1 सफे की हदीस, 2 सफों की हदीसें इस तरह याद करना, फिर उनको पढ़ देना बगैर किसी झिझक और रुकावट से, ये अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन रहिमहुल्लाह वो तो आला अनहु की सीरत और किरदार में ये बात। सुभान अल्लाह, फिर कुछ शाकान रसूल और फिर वो सहाबे कराम, खास तौर पर जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुकद्दस और आपकी खत्मे नबूवत और दीन पर पहरा दिया, उनके अहवाल को अजमन रखना और मौका महल के मुताबिक वहां से इस्तेदलाल करना और सामने वाले जो इस रिहाज से सोए हुए हों उनको जगा कर और उनको भी मुजाहिद बना देना, ये हर बंदे का काम नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे ना जी ये खत्मे नबूवत के लिए, उसकी खत्मे नबूवत की हिफाजत करने के लिए जुबान से अगर बयान किया जाए तो उसके लिए निसाब क्या है, उसका निसाब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब। सुभान अल्लाह,